कोरियन कंपनी एलजी ने अपने दो लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन्स को न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान पेश किया गया है। कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को LG G7 ThinQ और LG G7 Plus ThinQ नाम से पेश किया है। आइए जानते हैं कि इन फोन्स में क्या है खास। नमस्कार, मैं हूं जोइता और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं LG के लेटेस्ट दो स्मार्टफोन्स के बारे में। LG G7 Think और LG G7 Plus Think स्मार्टफोन की खास बात यह है कि दोनों ही क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 वायरलेस चार्ज सपोर्ट और फेस रिकॉग्निशन फीचर के साथ आते हैं। इसी के साथ ही IP68 सर्टिफिकेट के साथ मिलिट्री स्तर की सुरक्षा भी दी गई है इसमें। ऑडियो के लिए LG G7 ThinQ सीरीज में बूम बॉक्स स्पीकर और हाईफाई क्वाड डैक दिया गया है। साथ ही ये दोनों डिवाइस AI कैमरा फीचर से लेस है। LG अपने बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इन नए हैंडसेट की कीमत भी उपलब्धता के दौरान बताएगी। LG G7 ThinQ को फिलहाल साउथ कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसे बाद में दूसरे स्मार्टफोन बाजारों जैसे कि यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी बेचा जाएगा। LG G7 ThinQ को चार कलर वेरिएंट ब्लू, ब्लैक, रोज और ग्रे में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। LG G7 ThinQ और G7 Plus ThinQ के स्पेसिफिकेशन पर अगर नजर डालें तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट में दोनों फोन समान हैं। ड्यूल सिम वाला LG G7 ThinQ एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है। इसमें 6.1 इंच का क्वाड HD प्लस फुल व्यू सुपर ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। फोन में काम करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। फोन में 4GB की रैम दी गई है। वहीं LG G7 Plus ThinQ में 6GB रैम मौजूद है। कैमरे पर नजर डालें तो LG G7 ThinQ में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। ये दोनों 16+16 मेगापिक्सल के हैं। वहीं फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। फोन में 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज है। वहीं LG G7 Plus ThinQ में आपको 128GB का स्टोरेज मिलेगा। फोन को पावर देती है 3000mAh की बैटरी। टेक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें लोकमत न्यूज.in के साथ।